अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स पर जरूर क्लिक करें और अपना प्यार भेजिए। कहते हैं इंसान अगर जिंदगी से कदम मिला ले तो वो बहुत आसान हो जाती है, पर कमबख्त जिंदगी हमेशा दो कदम आगे ही रहती है। लेकिन इंसान का काम है चलते रहना। चावला साहब, ये कुत्ते और इंसान में कोई तो फर्क किया करो। बेटा है मेरा चड्डा साहब। और जी बेटा तो आपका है, लेकिन जान तो मेरी खाता है ना। मेरी बात मानो तो इसके लिए मम्मी ले आओ। रिंग द वेडिंग बेल्स, है कि नहीं? कुछ दिनों की बात है चड्डा साहब, मम्मी भी आ जाएगी। और ये तो मैं पिछले 2 साल से सुन रहा हूँ। एक बात बताऊँ आपको, अगर मकान किराए पे लेने से पहले आपने बताया होता ना कि कुत्ता भी साथ में है, तो बाई गॉड की कसम कभी नहीं देता। तभी तो नहीं बताया। चड्डा साहब, आपका कनाडा का वीजा लग गया? लग जाऊंगा जी, नॉट लॉन्ग। 2 साल से मैं भी यही सुन रहा हूँ। कम ऑन चुनिया, कम ऑन। 2 साल हो गए? चड्डा साहब को परेशान करना बंद कर। आई नो इज लिटिल इरिटेटिंग, बट ट्राई टू बी अंडरस्टैंडिंग, वरना हमें रोड पर आना पड़ेगा, समझा? हाय हनी। हाय बेब्स। तुम भूले तो नहीं? बिल्कुल नहीं। पिक मी अप फ्रॉम द ऑफिस एट 7। श्योर बेब्स। और एक काम कर दोगे प्लीज? एनीथिंग फॉर यू माय जान। आते हुए ड्राई क्लीनर से मेरे कपड़े उठा लेना। पहना भी दूंगा। Yeah, give him a cyclogen. Aur haan, no red meat. Okay? Ciao. Chal shuru kar.
चड़ा साहब सही कह रहे थे, तेरे लिए मम्मी लानी पड़ेगी। पूजा के साथ तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना? थैंक गॉड, वैसे भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ बोल मैक्स। हे ड्यूक, इमरजेंसी, हरी आपा। आई बी देयर। डॉक्टर, डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए। डॉक्टर साहब मैं मना नहीं चाहता, मुझे बचा लीजिए। करते क्या हो? ट्रैवल एजेंसी में काम करता हूँ। ट्रैवल एजेंसी? तो स्विट्जरलैंड जरूर गए होंगे। मैक्स एनेस्थीसिया। मैं तो एक असिस्टेंट हूँ। सुना कमाल की जगह है, बिग माउंटेन्स, वास्ट लैंडस्केप्स, गुड फूड एंड प्रिटी विमेन। जाना चाहोगे? हाँ। तो फिर जिंदगी से प्यार करो। उम्मीद पर दुनिया कायम है, यही मेरे पेशेंट्स के लिए मेरा मंत्र था। Rising. I got it, Rosie. I got it. Stitch him up. And when he wakes up, ise keh dena ki main bhi kabhi Switzerland nahi gaya. Good work, Duke. Good one, Doc. Hey, yeah, Duke, as usual, great job, huh? Hey, Rosie, how's your boyfriend? अकेला है। क्यों? मैंने उसे छोड़ दिया। Not again, Rosie. आप तो जानते हैं डॉक, मुझे आप जैसे बॉयफ्रेंड की तलाश है। Whoa, one day. Hey, Rosie, I have a great idea. You know, जब तक तुम ड्यूक का इंतजार कर रही हो, मेरे बारे में क्या ख्याल है उससे? Way too old, Doc. Hey, what do you mean old? Old is gold. Yeah. What is this, Rosie? Old is experience. Duke has no experience. What are you saying, no experience? No, but really, Duke, समझ भी नहीं आता तू करता कैसे? जैसे कोई इंसान बिल्डिंग से गिर रहा हो और तू अचानक उसकी जान बचा लेता है, स्पाइडरमैन की तरह। You mean like? Okay, तू मजाक कर रहा है, but really, really, it's a gift. Any messages for me? Yes, sir. It's a gift, Duke. Believe me, really. Max, मैं खुद कुछ नहीं करता, and neither am I Spiderman, dude. Yeah, well. You know, I love life. और दुख दर्द में ना लोग जीने की उम्मीद खो देते हैं, और मैं उन्हें वही देता हूँ जो खो चुके हैं, उम्मीद। Impressed? तू एक काम क्यों नहीं करता? एक कोर्स शुरू कर दे। पेशेंट की जान कैसे बचाई जाए उम्मीद से, हाँ? What do you say? Oh shit, हुआ। पूजा, ड्राई क्लीनर्स। Don't be late in the night, okay? Okay. Listen. सुनो, दारू तो होगी। बोन मैरो कैंसर एक जानलेवा बीमारी है। डॉक्टर चावला ने इसी कैंसर का संभव इलाज ढूंढा है। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन ने इसी प्रयास में इनके रिसर्च को फंड करने का फैसला किया है। Thank you, AMA, for your support and appreciation. ये हमारा पहला कदम है। अभी सिर्फ रिसर्च फंड हुई है, रिसर्च शुरू नहीं हुई। और फिर कौन कहता है कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता? मुझे मेरे पापा याद है, उन्होंने माँ को बचाने की बहुत कोशिश की। मेरी माँ को कैंसर था, मैं दिन रात प्रार्थना करता रहता था भगवान उन्हें बचा लो। साथ के कमरे में मेरी मां की दर्द में रोने की आवाज आती रहती थी, कहीं मैं ना सुन लूं। मां अपना मुख कंबल से ढक लेती थी। भगवान ने मेरी नहीं सुनी, शायद मेरी मां की प्रार्थना में ज्यादा ताकत थी, उन्हें दर्द नहीं चाहिए था, इसीलिए उन्हें अपने पास बुला लिया। और पापा को भी। मैं हमेशा सोचता रहता था कि भगवान ने मुझे क्यों अकेला छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। मेरे हर कदम पे साये की तरह मेरा साथ देते गए, ताकि मैं ये दिन देख सकूं, मेरी मंजिल ये बने। मैं सबको यकीन दिलाता हूं कि एक दिन ऐसा आएगा जब कोई कैंसर पेशेंट बेचारा नहीं कहलाएगा। कोई भी पेशेंट
दर्द से छुटकारा पाने के लिए मौत नहीं मांगेगा। Yes. I suggest you take it easy. Hey, do you khushiyan manate vak never take it easy, my friend. Right, Pooja? Right, of course, right. Hey, Rosie. I heard you have a new boyfriend. There. Cute, no? Not bad. Dog, I'm out of here. All right, have fun. One more round? Duke, two more rounds. You know, Duke, you're one hell of a lucky guy. Tujhe zindagi mein sab kuch mil gaya. Kamyabi, shohrat, aur pyar. What more can you want for in life? Touch wood. Hey, Pooja, please, yaar, doston ki nazar nahi lagti. What's wrong with you, yaar? You know, ye jo Duke hai na, Duke, have a fabulous boyfriend. Boyfriend nahi, husband. Cheers. Pooja, will you marry me? घर हमारा घर और ये तो शुरुआत है पूजा तुम साथ हो तो देयर इज नो स्टॉपिंग मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं लेकिन जो तुम्हें नहीं लगता सब कुछ कितना जल्दी हो रहा है लाइफ इज टू शॉर्ट पूजा पता नहीं कब बिजली चमके और सब बुक आज जी लेते हैं I love you. धड़कन बन वो दिल
Hi, Ma. Hi, beta. How are you doing, old woman? नालायक कहीं का नालायक नहीं माँ सन इन लॉ दामाद सच आपकी बेटी ने प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है अरे ये तो शर्मा रही है किस्मत वाली है बेटा जिसे तुझ जैसा जीवन साथी मिला है और मुझे तुझ जैसा बेटा माँ किस्मत मेरी अच्छी है मुझे तुम जैसी माँ मिली Come on now, stop crying. अच्छा ये बता, आप अपनी डाइट फॉलो कर रही हैं ना? मुझसे नहीं होता, वो बिना नमक बिना मिर्ची वाला खाना, बेटा तू मेरा ऑपरेशन कर दे। जब जरूरत होगी, तभी करूँगा ना माँ। तू ही करेगा ना? Of course माँ, और कौन? चलता हूँ। जीता रहे। I had a great time. I love you. I told you. Bye. Good night. Hey, Duke. अपना अस्पताल नहीं है ईस्ट वेस्ट सो हाउ यू डूइंग ब्रो कितने दिन हो गए दो हाउ बैड इज इट नॉट मच सर पे तो नहीं लगी ना नहीं नहीं बिल्कुल नहीं नॉट एट ऑल तो फिर हुआ क्या कुछ खास नहीं बस यू नो बैग्स या आई कांट फील योर हैंड बैग्स मैक्स मैक्स आई कांट मूव माय बॉडी मैक्स मैक्स ड्यूक माय हैंड्स मैक्स आई कांट मूव माय हैंड्स मैक्स मैक्स ड्यूक लिसन टू मी व्हाट द हेल इज रॉन्ग विद मी ड्यूक ड्यूक मैक्स आई कांट मूव माय बॉडी मैक्स व्हाट द हेल इज रॉन्ग ड्यूक लिसन टू मी व्हाट इज रॉन्ग ड्यूक मेरी बात सुनो Duke, please, meri baat suno. What's wrong with me? What's wrong with Duke? It's spinal shock. Okay? Neck down paralysis. Spinal shock. Max. Lekin, suno meri baat. Max. Tu theek ho sakta hai. Tere saath physiotherapy shuru karenge. Tu theek ho sakta hai. Theek ho sakta hai. Yes, of course. Max. Max, spinal shock, man. That means... मैं महीनों या सालों तक नहीं चल सकता मैक्स नो नो ड्यूक हे ड्यूक ऐसी बातें मत कर या कभी नहीं
Max. हम डॉक्टर्स तो जानते हैं सबसे वर्स्ट पेशेंट्स होते हैं, यू नो दैट. पूछा मैक्स. पूछा. हाँ, पूजा की यू नो माँ की तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आ सकी. शी वांट्स टू सरप्राइज यू. आई नीड टू टॉक टू मैक्स. बात करवा दूंगा ड्यूक. नो मैक्स प्लीज. ड्यूक तुझे आराम की जरूरत है. कॉल ऑन. कॉल ऑन प्लीज. कॉल ऑन ड्यूक. आई नीड टू हियर अ वॉइस मैक्स. आई नीड टू हियर अ वॉइस. आई नीड टू हियर अ वॉइस. ओके. हेलो. हाँ पूजा, मैक्स बोल रहा हूँ. सुनो, एक खुशखबरी है, गुड न्यूज़. प्लीज होश आ गया. स्पीकर फोन मैक्स. हाँ स्पीकर फोन प्लीज मैन. पूजा. हेलो मैक्स. हे पूजा. हाँ ड्यू की हालत पर मुझे भी उतना ही अफसोस है जितना कि तुम्हें, लेकिन मैंने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया है. मैं वहां नहीं आ सकती. मैं जानती हूँ ड्यू को बुरा लगेगा. आई हैव अ करियर टू लुक आफ्टर. मेरी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मैं ये जिम्मेदारी नहीं ले सकती. और ड्यूक समझ पाएगा. उसके लिए अच्छा है कि वो मुझे भूल जाए, और मेरे लिए भी अच्छा है कि मैं उसे. Max. Yeah, ड्यूक. Max, just leave me alone, Max. ड्यूक. Max, मुझे किसी की जरूरत नहीं. ड्यूक. Leave me alone. I don't need anyone. Just go away, man. Just get out of here. Please. ड्यूक. I don't want anyone. Just leave me alone. Leave me alone. Leave me alone. उस दिन मुझे जिंदगी और मौत के बीच का एहसास मालूम हुआ. सांसें भरना, पर लाश की तरह पड़े रहने का एहसास. कामयाबी, शोहरत और प्यार कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा, गहरा अंधेरा. कौन? रोशन. सबकी जिंदगी को रोशन करता हूँ. यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से. अरे इंट्रोडक्शन तो कर लो. गेट आउट. डॉक्टर ड्यूक चावला. पहली बार देखा है डॉक्टर को बेड पर. गेट आउट. खड़ूस. अरे रोशन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नई एंट्री आई है, खबर मिली तो मिलने आ गया. हाथ पैर नहीं चलते हैं, पर गुस्से से भरा है. अच्छा बताओ रोशनी कैसी है? ठीक है डॉक्टर स्नेहा, मैं राउंड मार कर आता हूँ. ओके. मॉर्निंग डेजी, ऑल फाइन? यस डॉक्टर. थैंक यू. अरे दया काका, वहाँ जरा ठीक से साफ करो. अच्छा. श्रीवास्तव जी. जवाब आ गया. प्रिस्क्रिप्शन 6 महीने से. एक बात बोलूं? बोल. आपकी लीक से बाहर है. प्यार की राहों पर थोड़ा आराम से चलना. आवाज छोड़िए सेना साहब, इतनी अंग्रेजी तो हम सीख गए हैं कि आपकी तो बुरा मत मानिए, छुट्टी हो जाएगी. फरमाइए. सुनिए. डोर, वॉल, ग्लास, बुक, ट्यूबलाइट, बल्ब, टेलीफोन, फाइल, फ्लोर, पेन, पेंसिल, एसी, टीवी, काउंटिंग 1 से लेके 50. बोलिए. इनसे बड़े शब्द तो हम अक्सर बोलते रहे. क्या बात कर रहे हैं, सुनाइए. क्रोसिन, डिस्प्रिन, स्ट्रेचर, फ्रैक्चर, फीवर, मलेरिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नीडल, सिरेंज, इंजेक्शन, मेडिकेशन, मेडिसिन, केमिस्ट, ट्यूबरकुलोसिस. और सुनाओ. नहीं. हे मेट. लो रोशन. कैसे रोशन मियां? आई एम ऑलराइट मेट, यू टेल मी. हैं? टेल व्हाट मी? Ah, forget it. What's up with you, old man? What is up, old man? रोशन ऐसा नहीं बोलते. Old man तो बेचारा अभी जाएगा ना. अरे मैं तो पूछ रहा था कि आप कैसे हैं? Stable.
रिकवरिंग। सिन्हा साहब, जाफर भाई, देखिए कौन आया है। अरे कर्नल साहब। कर्नल साहब रीएंट्री। फिर सिगरेट पी रहे थे, रिलैप्स हो गया, मैंने शिकायत कर दी। बख्शी, तू पता नहीं मेरा पीछा कब छोड़ेगा। अंत तक नहीं छोड़ूंगा कर्नल साहब। आपका कमरा रेडी है, चलिए। एडवाइस कि आप दवाई खा लें। ना मुझे ये दवाई चाहिए, नहीं ये खाना पीना, मुझे कुछ नहीं चाहिए। Do you get that? सबकी नाक में दम किया हुआ इस नंबर एक के पेशेंट में। नो प्रॉब्लम, डॉन साहब ठीक कर देंगे। गुड आफ्टरनून डॉक्टर चावला। मैं घर जाना चाहता हूँ। आउट ऑफ द क्वेश्चन। मेडिकल एथिक्स के नॉलेज तो आप जैसे डॉक्टर्स को जरूर होगी। घर जाने से कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ सकते हैं, एंड वी वोंट लेट दैट हैपन। आई एम सॉरी, लेकिन अगले कुछ दिनों के लिए आपका घर यही है। सो इट्स माई रिक्वेस्ट, आप दवाई और खाना खा लें। दवाई और खाने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैं घर जाना चाहता हूँ। I suggest आप थोड़ी समझदारी से। Why don't you understand? I want to go home. तो उठिए और जाइए। मैं सख्ती करना नहीं चाहती। अब जो करना चाहती है कीजिए। स्नेहा। Yes, ma'am. Give him injectables. जी मैम। दवाई और खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। Stop it. I said stop it. Please. Don't. Stop it. Stop it! Hey, 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 hey. Don't do that! एप्पल नहीं पुत्र, तरबूज, वाटरमेलन। अरे अंकल, इतने बड़े केले? वाहे गुरु, पुत्र, वो केले नहीं है, पपाया है। आई मीन पपीता। आप बीमार हो? नहीं, मैं तो आपकी नॉलेज चेक करा था अंकल। सर वो मिलना नहीं चाहते। आपने उनको बताया कि मिस्टर बलविंदर सिंह चड्डा उनसे मिलने आए? जी। मिस्टर चड्डा उनका पड़ोसी? जी सर, मैंने कहा था, पर डॉक्टर ड्यूक चारों ने तब भी मिलने से इनकार कर दिया सर। मिलने से इनकार कर दिया? अंकल, आप क्यों मिलना चाहते हो उस खड़ूस से? ना पुत्र, वो खड़ूस नहीं है, वो तो बड़े कमाल का बंदा है पुत्र। ही इज अ वेरी नाइस मैन, बड़ा ही सीधा आदमी। किसी का क्या बिगाड़ा था उसने कि एक ही पल में उसकी ये हालत हो गई? सब कुछ बिखर गया उसका पुत्र। पता है दी, अकेले रह गया वो, अपनों ने भी साथ छोड़ दिया। तू है ना सबका दिल बहलाने के लिए, कल से शुरू हो जाना। अभी जाऊं? नहीं नहीं, अभी तो सो जा। अच्छा। गॉड, सबको ठीक कर दो ना, प्लीज। आई लव यू।
It's a bright sunny morning. Mal Road versus Boat Club. Mal Road has won the toss and chose to bowl. Boat Club ki team batting. Get out. Shh. Commentary chal rahi hai. Agar problem hai, to kaan band kar lo. लूला तेंदुलकर जो बहुत दिनों से सचिन की टी शर्ट पहनकर बैटिंग का इंतजार कर रहे हैं वो ओपनिंग पर नहीं आए इंटरेस्टिंग प्लेयर है राइट लेग काम नहीं करता पर खुद को सचिन समझते हैं आई सेड गेट आउट देखिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सिर्फ एक बार जूनियर को डूक से मिलने दीजिए सर हॉस्पिटल में पेट्स अलाउड नहीं है सर आप मेरी बात करिए अपनी डॉक्टर केलकर से और वो खाना नहीं खा रहा यार चड़ा साहब प्लीज मैम एक विजिटर हैं आपसे मिलना चाहते हैं शी इज कमिंग थैंक यू वेरी मच यस मैम हेलो डॉक्टर हेलो आई एम डॉक्टर मैक्स मैक्सिमिलियन फर्नांडिस और ये हैं चड्डा साहब ड्यूक चावला के पड़ोसी डॉक्टर साहब दरअसल बात यह है कि ड्यूक की जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है जूनियर उनका पेट डॉग जब से ड्यूक यहाँ है जूनियर ने कुछ खाया नहीं अब आप तो जानती कि ड्यूक को हम बाहर तो नहीं ले जा सकते इसलिए हम चाह रहे थे कि एक बार हम जूनियर को यहाँ ले आएं, बस सिर्फ एक बार देखिए डॉक्टर हमारे हॉस्पिटल में पेट्स अलाउड नहीं है इससे जर्म्स और इन्फेक्शन का डर बनता है मैडम सिर्फ एक मिनट प्लीज सिर्फ एक मिनट के लिए मैं अपने हाथों से फर्श में पोंछा लगा दूंगा आप बस सिर्फ एक मिनट के लिए जूनियर प्लीज मिस्टर चड्डा इट्स नॉट पॉसिबल आई एम सॉरी एक्सक्यूज मी मैम पेशे से मैं भी एक डॉक्टर हूँ फिर तो आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं क्या कह रही हूँ आप दोनों अगर चाहते हैं तो मिल सकते हैं और जी कोई गल होती है जी चड्डा साहब मैं भी समझता हूँ लेकिन नहीं सर ये कोई तरीका नहीं है जी चड्डा साहब देखिए अस्पताल की कुछ और जी अगर एक मिनट के लिए मिलने देते तो क्या बिगड़ जाता उनका कुछ नियम है अब क्या करें और जी सिर्फ एक मिनट कुत्ता ओ आप अपना काम करो जी चड्डा साहब इसे क्यों डांट रहे हैं आप ओहो यहाँ पे एक ही शख्स है जो आपका काम करवा सकता है आपको यकीन है कि डॉगी उनको देखकर खाना खा लेगा हाँ पुत्र मुझे पूरा यकीन है वो उसको देखे बगैर ना खाने को हाथ नहीं लगाएगा और खड़ूस डॉगी को देखकर खाएगा पुत्र बहुत प्यार करता है वो जूनियर को उसके लिए वो जरूर खा लेगा अच्छा एक काम करो पहले तो ये रेडियो पॉकेट में रख लो पुत्र ये रेडियो नहीं है मोबाइल है मोबाइल नॉलेज चेक कर रहा था अंकल बड़ा कमाल का बंदा है ये नॉटी बॉय हेलो ईस्ट वेस्ट मैं बोल रहा हूँ मैं कौन रोशन भाई क्या आई एम कॉलिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड बैंक आपके लिए 15 लाख वाले क्रेडिट कार्ड की स्कीम है 15 लाख हाँ वैसे आपके पास और कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है लेट मी चेक सिन्हा साहब ये ईसीजी मॉनिटर्स आप कहाँ लेके जा रहे हैं पेशेंट के लिए ओहो आप भी ना सिन्हा साहब पेशेंट सेकंड फ्लोर पर आने वाला है आप फर्स्ट फ्लोर पर घूम रहे हैं ओहो क्या सोच रहे हैं डॉक्टर साहब वो उम्र ज्यादा हो गई ना तो इन्हें कुछ याद नहीं रहता चलिए सिन्हा साहब चलिए जल्दी करिए पेशेंट सेकंड फ्लोर पर आपका वेट कर रहा है चलिए जाइए डॉक्टर सिन्हा आपसे कुछ छुपाया जा रहा है अरे नहीं नहीं क्या कर्नल साहब फिर से सिगरेट पीते हुए पाए गए व्हाट ओह माय गॉड आप आइए प्लीज आप सेकंड फ्लोर चलिए आप मेरे साथ क्या हो रहा है कम ऑन यू गाइस रूम नंबर 5 ओह माय डॉग डॉक्टर आंटी ये डॉगी को ऊपर लाना चाहते थे मैंने समझाया कि अच्छी बात नहीं है इससे जर्म्स और इन्फेक्शंस फैलते हैं
ये मान गए, ड्यूक चावला से मिलने आए हैं। अच्छी बात है, मिल लीजिए। थैंक यू। सत श्री अकाल जी। चावला साहब, आप हमसे नहीं मिलना चाहते तो कोई बात नहीं, और ये तो आपका बेटा है, उसने चार दिन से कुछ खाया ही नहीं है। जब भूख हद से बाहर हो जाएगी तो खा लेगा। और जी वो मर जाएगा पर खाना नहीं खाएगा। तो वही सही। आई हेट हिम दी, जूनियर मर जाएगा पर खाना नहीं खाएगा। दी, उसे अकेला रहना चाहिए, जो किसी से प्यार नहीं करता उससे कोई प्यार नहीं करेगा। आई हेट हिम दी। रोशन, ऐसा नहीं कहते हैं, जो इंसान खुद से इतनी नफरत करता है वो दूसरों से क्या प्यार जताएगा। मॉर्निंग डॉग, नीट रूम, नाइस सनलाइट, फ्लावर्स फॉर यू। हे डॉग, गेस व्हाट, नया बॉयफ्रेंड बना है। अभी दो दिन पहले हम डेट पे गए और शादी की डेट भी फिक्स हो गई है। BMW है उसके पास। आप जैसा नहीं है पर कुछ कुछ आप जैसा ही है। हे रोजी, गेस व्हाट, कौन अकेला रह गया? कौन? She left me. डॉक्टर चावला ठीक नहीं है, न खाते हैं न पीते हैं, आप तो जानती हैं वो किस तरह के इंसान हैं। आप एक बार उनसे मिल लेती तो? एक बार मिलने से क्या होगा रोजी, वो फिर से खाने लगेगा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाएगी। मैं जानती हूँ तुम लोग समझते हो कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक मतलब इंसान हूँ। बेटा, सब ड्यूक की भलाई के लिए। माँ के मैं ड्यूक की भलाई नहीं चाहती, मैं उसे प्यार करती हूँ। ठीक है रोजी, मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चल पड़ती हूँ, उसे मिलती हूँ, मैं उसे अपने साथ घर भी ले आऊँगी, पूरे मन से उसकी देखभाल करूँगी। लेकिन ड्यूक के बारे में सोचो, ही इज अ सेल्फ मेड मैन, वो खुद को एक बोझ समझने लगेगा, कभी मेरी मेहनत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। तुम भी तो उसे जानती हो माँ, सारी उम्र से रुलाने से बेहतर है कि मैं आज उसका दिल तोड़ दूँ। मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, एक इंसान जिसे जिंदगी से बहुत प्यार था, आज वो अपनी सांसों से नफरत करने लगा है।
आज का हाल, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, शादी को 15 साल हो गए पर अभी भी उनकी लव स्टोरी उतनी ही फ्रेश है। रोज छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करते हैं, कल भी हुआ था और अभी देखो मिसेस शर्मा मिस्टर शर्मा को गाड़ी तक छोड़ने आए, हाथ में लंच बॉक्स दिया, किस किया, आहा, टू गुड, इसे कहते हैं लव मैरिज। और ये वीर भैया, इनका सोनल दी के साथ पक्का अफेयर चल रहा है। तुझे दूसरों की लव स्टोरी में बहुत इंटरेस्ट है, आपकी भी है क्या कोई? बाय द वे, तबीयत ठीक है? आज क्या हो गया? गेट आउट बोलो ना, चिल्लाओ, चिल्लाते क्यों नहीं? थक गया। तुझे कैसे पता उनके बीच अफेयर चल रहा है? वीर भैया अपनी बाइक लेकर सोनल दी के घर के बाहर 3 बार हॉर्न बजा रहे हैं। सोनल दी खिड़की पर आई, इशारा किया, वीर भैया अपनी बाइक लेकर कॉर्नर में खड़े हो गए। सोनल दी स्टेज से उतर कर आ रही है, गेट के बाहर आई और वो वीर भैया की बाइक पर बैठकर चली गई। अब बोलो। हंसना आता है, दी सही कहती है। ये दी कौन है? मेरी बहन रोशनी। चेस खेलोगे? मैं लेकर आता हूँ। रोशन और रोशनी, तो माँ का नाम ट्यूबलाइट होगा और पापा का बल्ब। ए, पापा का नाम सूरज और मम्मी का नाम चांदनी, आपका फ्रॉस्ट, मेरा क्रिस्टल। बड़ा ब्राइट परिवार है। वैसे तो हॉस्पिटल में कर क्या रहा है? आपकी चांस, ये घोड़ा चलता हूँ। रोशनी दीदी की तबीयत खराब है, मेरी छुट्टियां चल रही है, तो मम्मी पापा ने कहा रोशन तुम दी के पास रहो। मैं यहाँ उनका साथ देने के लिए उनके पास आया था, पर अब ये हॉस्पिटल मेरे बिना नहीं जा सकता। तेरी दी को क्या हुआ? उन्हें कैंसर है, बोन मैरो में, लास्ट स्टेज, डॉक्टर्स इसे टर्मिनली इल कहते हैं। आपका वजीर चलता हूँ। अरे आपका राजा तो अकेला रह गया, ये मेरी रानी यहाँ और चेकमेट। आपको खेलना नहीं आता, आपने बताया क्यों नहीं? चावला साहब, आपसे मिलने कोई मिस्टर शाह है, भेज दूँ? हाँ हाँ भेजो भेजो। ठीक है, मिलने आए हैं। नमस्ते। क्या मैं आपको जानता हूं? जी नहीं, वो उस रात आपकी कार को पीछे से वो मेरा बेटा चला रहा था, मैं यहां पर आपसे, लेकिन आपके हालत देखकर आपसे कुछ मदद के लिए। देखो बेटा, जो हुआ उसे कोई बदल नहीं सकता, चेतन की गलती की वजह से केस फाइल हुआ है, आपके इंश्योरेंस वालों ने केस तो फाइल कर दिया, लेकिन मैं ही जानता हूं बेटा, चेतन के इंश्योरेंस की इतनी भी कीमत नहीं है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हर रोज उनके चक्कर काटते काटते मैं थक जाता हूं बेटा, वही सवाल वही जवाब। क्या चाहते हैं आप? स्टेटमेंट। क्यों? मुझे यहां पहुंचाने के लिए क्यों माफ करो? काटिए चक्कर, पाइए पसीना, गवाइए अपने मेहनत की कमाई,
और जब हड्डियां साथ ना देना तो व्हीलचेयर पर जाना। मुझे आप पर कोई दया नहीं आ रही मिस्टर शाह। अब जा सकते हैं बेटा। जाते जाते मैं चाहूंगा एक एहसान मुझ पर कर दो, बस उसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो जो इस दुनिया में नहीं है। शैतान ने उसी रात दम तोड़ दिया था बेटा, उसी रात। लकी गाय मुझे बेहतर हाल में होगा। हर पल मरने का दर्द एक बार मरने से बड़ा है। आप जा रहे हैं मिस्टर शाह, थोड़ी देर रुक कर जाइए, देखिए कैसे एक इंसान हर पल मरता है। मिस्टर शाह मैं आपसे बात कर रहा हूं, मिस्टर शाह मैं आपके बेटे से जगह बदलने के लिए तैयार हूं। बुला लीजिए अपने बेटे को, बुला लीजिए। कम बैक मिस्टर शाह, कम बैक। मैं जगह बदलने के लिए तैयार हूं, मैं जगह बदलने के लिए तैयार हूं, मैं जगह बदलने के लिए तैयार हूं, मैं जगह बदलने के लिए तैयार हूं। रेडिएशन रूम गया है। डॉक्टर चावला, आपके अकॉर्डिंग एक जूनियर डॉक्टर अकेला कब ऑपरेट कर सकता है? जब उसके हाथ ना कांपे, तब। मतलब मैं तैयार हूँ, बस एक मौका मिल जाए ना फिर सबको दिखा दूंगी। एंड आई कैन डू इट। थैंक यू डॉक्टर, हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग डॉक्टर, मॉर्निंग। सर ड्यूक, What's happening? अच्छा सुन, मैंने तेरे डॉक्टर से बात की है और डॉक्टर केलकर कह रही है कि स्टेम सेल्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है और फिर फिजियोथेरेपी तो शुरू कर ही रहे, सो इट्स लुकिंग गुड। या क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है? Hey, I've got all the time in the world. Thanks. Yeah. स्टेम सेल्स तो बहुत दूर की बात है और फिर एक पत्थर पर क्या फिजियोथेरेपी करेंगे? कोई और अच्छी खबर सुना? वेल यू नो ड्यूक, एएमए ने फंडिंग कैंसिल कर दी या घर चला गया। दो ही तो चीजें बची थी। ड्यूक, वो जो बिल्डर ने एडवांस वापस किया था ना, वो मैंने तेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया। तूने मेरे लिए इतना कुछ किया है, एक और एहसान कर देना मुझ पर। एनीथिंग यू से, बोल लो। इस ट्यूब में थोड़ी सी केसीएल डाल दे। देख मैक्स, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता, थोड़ा पोटेशियम क्लोराइड डाल देना। मैं 2 सेकंड में इस दर्द से दूर चला जाऊंगा। प्लीज मैक्स, ट्रस्ट मी, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। Shut up, Duke. You're a doctor, for God's sake. For God's sake. Max, please. Look, Duke. दुख दर्द में इंसान कभी कभी अपनी जीने की उम्मीद खो देता है। ये तूने ही मुझसे कहा था। और आज Duke, तू ही अपनी उम्मीद खो रहा है। Oh, come on, Duke. Come on, please. कहना आसान है, Max. देख मुझे. ये बेड मेरा घर है। अरे कमरा मेरी दुनिया। मेरे पास कुछ नहीं है मैक्स, ना अपने लिए ना दूसरों के लिए, तो मैं जी कर क्या करूंगा? लेकिन यू गोना बी फाइन, तू ठीक हो जाएगा यार। थक गया हूं मैं ये सुन सुन के। नो रियली थक गया हूं मैक्स, थक गया। ड्यूक प्लीज गो अवे मैक्स, जस्ट गो अवे।
पल पल मरता था मैं, और एक छोटी मौत के बाद फिर से जीवन के सामने खड़ा कर दिया जाता था। बहादुरी के लिए फर्स्ट क्लास में मिला था, ये मैं आपको देना चाहता हूँ। बकवास बंद करो। सच में? You are so brave. Next time थोड़ा दूर तक पहुँचना पड़ेगा। अब कहो तो बोतल में पास में रख दूँ? मजाक उड़ा रहा है। मजाक तो आप उड़ा रहे हो, अपनी लाइफ का। कैसी लाइफ? इसे जीना नहीं कहते। तो फिर जीना किसे कहते हैं? आपके सामने तो पूरी जिंदगी खड़ी है। एक टर्मिनली इल पेशेंट से पूछिए, वो बताएगा जीना किसे कहते हैं। वो जानता है कि वो कभी भी जा सकता है, पर मुस्कुराहट के साथ जीता है हर पल हर दिन। बस एक इच्छा होनी चाहिए। किस लिए? अपने आप के लिए तो हर इंसान जीता है, लेकिन आप पर तो 10 और लोगों की आशाएं हैं। अगर आप जैसे डॉक्टर हार मान लेगा तो आपका काम मजाक बन जाएगा। डॉक्टर ड्यूक चावला, आपको दूसरे के लिए भी जीना है। तुम्हें दिखता नहीं, मेरे हाथ नहीं चलते, पांव नहीं चलते, सिर्फ इन दीवारों पे चढ़ा हुआ सफेद रंग दिखाई देता है। तू नहीं समझेगा रोशन, इस उम्र में अपने बेड पे टॉयलेट। बच्चा भी तो अपने बेड पर सुसु पॉटी करता है ना, फिर धीरे धीरे चलना सीखता है, टॉयलेट जाना सीखता है। आपके हाथ पैर नहीं चल रहे, पर सांसें तो चल रही है ना, दिल और दिमाग तो चल रहा है ना। आपके दिल और माइंड से पूछिए क्या सही है, आपको जो सही लगता है वही कीजिए। इस हाल में कुछ सही नहीं लगता। पुलूला तेंदुलकर याद है, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तब वो भी क्रिकेट खेलना छोड़ सकता था, पर नहीं, रोज फील्ड पर आता है, पूरा दिन बैटिंग के इंतजार में फील्डिंग करता है। लोग उसके दौड़ने पर उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वो बुरा नहीं मानता है। सिर्फ इसी उम्मीद में हर सुबह वापस उन्हीं लोगों के बीच में आता है कि एक दिन उसके हाथ में बैट आ जाएगा और वो सबको दिखा देगा कि उसे भी खेलना आता है। और यकीन मानिए,
एक दिन उसकी बैटिंग जरूर आएगी। ये आपका मेडल। और हाँ, मैं आपका दिल दुखाने नहीं आया था, ना ही आपका मजाक उड़ाने। मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं बस आपको वो दे रहा हूँ जो आप खो चुके हो, उम्मीद। उम्मीद, क्योंकि उम्मीद में दुनिया कायम है। रोशन, ये रोशन, सिन्हा अंकल कह रहे थे कि खड़ूस तुझे बुला रहा है। मेडल तो नहीं खा गए? ऐसे नहीं कहते हैं। नहीं दी, वो कुछ भी कर सकते हैं। जाकर देखते हो प्रॉब्लम क्या है उनकी। आधा घंटा लेट, ऐसे कैसे चलेगा मिस्टर रोशन? देख क्या रहा है? चल बाहर का हाल सुना। गुड मॉर्निंग सिद्धू, इट्स अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। माल रोड वर्सेस बोटला। लूला खेल रहा है क्या? उसकी टीम की बैटिंग है, बेचारा बैठा है कोने में। ओ सिद्धू, आज बॉलिंग काफी फास्ट है। मारुट के 7 विकेट गिर चुके हैं और जीतने के लिए सिर्फ 6 ही रन चाहिए। और ये आउट। सिद्धू, कोई विशेष टिप्पणी? 6 रन और 2 विकेट, मुश्किल है रोशन। They have fallen like a pack of cards. और ये बोल्ड, लास्ट बैट्समैन लेफ्ट। लूला रहे क्या? ओहो, लास्ट बैट्समैन तो पहले से इंजर्ड है। लूला टेंडुलकर बेसबॉल को फेस कर रहा है। ऑफ कोर्स सिद्धू, और ये पहली बॉल बाउंसर, लूला झुक नहीं पा रहा उसके मुंह पर। ओह, दैट्स अ नास्टी ब्लो। वो उठेगा, वो नीचे गिरा है, टीम के लोग उस पर हंस रहे हैं, और ये वो खड़ा हो रहा है। देखना अगली बॉल ग्राउंड के बाहर। इस पोजीशन में सबकी ऐसी गई, बॉलर अपना रन अप ले रहा है। He reaches the crease and bolts. It's a full pitch at the off stump. Lula swings his bat and that's a six. Bollywood has won. We have won. Unbelievable uncle. Lula is 6 for uncle. कैसे? क्योंकि उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। तो जैसे लोगों की आशाएं उसे, वो हार कैसे मान लेता? चलो रोशन, ट्रिप टाइम। अरे सिन्हा साहब, ट्रिप क्यों लगा रहे हो? आज डॉक्टर चावला खाना खाएंगे। नहीं रोशन, मैं नहीं खाऊंगा। क्यों? क्या 15 लाख का लिमिट अप्रूव हो क्या? मैडम सिन्हा, कर्नल साहब फिर से सिगरेट पी रहा है। What? Oh my God, nurse, come on. पता नहीं क्या हो गया है इनको। डॉक्टर साहब, ये ड्यू की कंडीशन आज कुछ बेटर नहीं लग रही थी। चड्डा साहब, मेडिकल रिपोर्ट्स देखने के बाद ही पता चल सकता। चल शुरू कर, चल शुरू कर। हे जूनियर, माफ कर देना, बहुत भूख लगी है। प्लीज
Sorry, man. Hey, Duke. Come on. Chawla sahab, get well soon. Chawla sahab, thank you so much. आपने मेरे जूनियर का ख्याल रखा. बेटा है जी मेरा. अरे अंकल, इतना बड़ा क्रिसमस ट्री. ओ पुत्र, ये बुके है. नॉलेज चेक करा था अंकल. बड़ा कमाल का बंदा है जी ये. कुछ भी कर सकता था रोशन. मैं फिर से जीना चाहता था, सांसें भरना चाहता था. झलकने लगी मेरी आंखों में भी, हाइन में छुपी थी जो शरारतें कई. झलकने लगी मेरी आंखों में भी इनमें छुपी थी जो शरारतें कई. खुद से हंस के मिलूं मैं हर सुबह, सभी हैरान है ये उन्हें क्या हुआ. शायद वो ये जानते हैं तुम साथ हो मेरे, शायद वो ये जानते हैं तुम साथ हो मेरे, मेरी खुशी में देखो वो भी शामिल हो चले. आज आसमां कुछ और नीला लगे, सूरज का चेहरा भी कुछ और रोशन सा लगे. करण साहब नहीं दिखाई दे रहे आजकल. उन्हें छुट्टी मिल गई. अच्छा, रानी क्या लिखा था? रानी वजीर नहीं, रानी.
रानी लंगा तो मैं हार जाऊंगा ना। चीटिंग करता है? लो खुद ही ला लो, हिलाओ ना, खेलो। बदमाश रोशन, तूने मुझे बहुत कुछ दिया। बस बस, मुझे भी कुछ चाहिए। अच्छा? ऑफ कोर्स, फ्री में कुछ नहीं होता। अगर मेरे बस में हुआ ना तो जरूर दूंगा। बिल्कुल है बस में। तो बोल क्या चाहिए तुझे। उस रात बारिश हो रही थी, अपनी दुनिया में खोया हुआ मैं घर की तरफ ड्राइव कर रहा था। रास्ता खाली था, सिग्नल ग्रीन। अचानक से एक बच्चा रोड क्रॉस करने लगा, उसे बचाने के लिए मैंने ब्रेक दबाए। शायद पीछे से आती हुई गाड़ी का कंट्रोल नहीं रहा होगा। बाकी आप सब जानते हैं, इस सब के लिए मैं किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा था। इट वॉज एन एक्सीडेंट। आई होप इंश्योरेंस कंपनी के लिए यह स्टेटमेंट काफी है। जी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। आज पहली बार एहसास हुआ कि मेरे दर्द से बड़ा किसी और का दर्द भी हो सकता है। एक माफी किसी को इतना सुकून दे सकती है, मुझे पता नहीं था। मैंने माफ करना भी सीख लिया था। कद से काफी ऊंचा था और यह हॉस्पिटल सच में उसके बिना नहीं चल सकता था। मिस्टर मूर्ति। यस मैम। मुझे बोर्ड मीटिंग के लिए प्रोग्रेस रिपोर्ट की कॉपी चाहिए। हियर यू आर मैम। सारे पेशेंट्स के अकाउंट्स क्लियर हैं मिस्टर पांडे? मैम रूम नंबर 4 छोड़कर सारे अकाउंट्स क्लियर हैं। रोशनी और रोशन? जी मैम। प्रॉब्लम क्या है? मैम आउटस्टैंडिंग 1,90,000 और। जी मैडम मेरा कुछ ज्यादा नहीं है। कितना है श्रीवास्तव? यही कोई 60,000 बस। मतलब 2.5 लाख रुपए आउटस्टैंडिंग है। मैम वो रेडिएशन इंक्लूडेड नहीं है। किसी ने पेरेंट्स से बात की? जी मैम मेरी कल ही उनसे बात हुई है, वो 1 महीने की मोहलत मांग। बोर्ड मीटिंग आज है मिस्टर मूर्ति। जी मैम। इस केस में हमने पहले से बहुत लीनियंसी बरती है और बोर्ड को हमेशा से ही नामंजूर था। आई थिंक दैट्स इट। स्नेहा पेरेंट्स को फोन करो और कहो रोशन और रोशनी को यहां से ले जाएं। हेलो पापा। हाँ पापा। ओके पापा। हाँ पापा। क्या बात हो रही थी फोन पे? होली मनाने घर जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हैं? क्या बात है भाई? झूठ बोल रहा है। माँ बाप से पैसे नहीं दिए गए इसलिए घर भेजा जा रहा है। क्या कहा पापा ने? कपड़े पैक करने के लिए कहा। दी होली आने वाली है, घर में ही मना लेंगे। अब
आपके फ्रेंड्स आपको बहुत याद कर रहे हैं। ऐसे पापा कह रहे थे जल्दी से कपड़े पैक कर लो, पापा लेने आएंगे। रोशन, पापा के पास पैसे नहीं है ना? तुम रो मत दी, पापा मेहनत कर रहे हैं, मम्मी भी, और हम दोनों है ना एक दूसरे का साथ देने के लिए। दी, तुम्हें घर की याद नहीं आती? मुझे तो बहुत आती है। चलते हैं। Any progress, doctor? Muscles respond कर रहे हैं और reflexes भी शुरू हो गए, लेकिन डॉक्टर स्नेहा थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। जी। क्या बात है? आज इस हॉस्पिटल में कोई हंस नहीं रहा? रोशन चला गया क्या? जा रहा है। घर पहुंच के फोन तो करेगा ना? बिल्कुल करूंगा। रोशनी, अपना ख्याल रखना। आप सब होली मनाने घर आएंगे ना? जरूर आएंगे बेटा। पापा आ गए। स्नेहा जी, तुमने इनके पेरेंट्स से बात की? जी वो जस्ट अ मोमेंट डॉक्टर। डॉक्टर केलकर, पेरेंट्स से बात हो चुकी। आपने कहा था रोशन के पापा को बिल्स पे करने होंगे। रोशन के पापा ने बिल्स पे कर दिए। डॉक्टर, अब आपके बॉट को नाराजगी तो नहीं होनी चाहिए। चलो चलो, कोई नहीं जा रहा है। जाफर साहब, शैल वी टेक हिज लगेज इनसाइड? टेक टेक। एक घंटा लेट, ऐसे कैसे चलेगा मिस्टर रोशन? सोच क्या रहा है? बहाना? इतनी जल्दी जा रहा था, अब तो मेरी फिजियोथेरेपी भी शुरू हो गई है। एक दिन मैं तुझे बाहर का हाल सुनाऊंगा। थैंक यू। बस बस, फ्री में कुछ नहीं होता, मुझे भी कुछ चाहिए। क्या? अपनी दी रोशनी से कब मिलाएगा? तो सो गए। तो ये है खड़ूस? हाँ, डॉक्टर दानिश कृपाल चावला, स्टाइल मारने के लिए ड्यूक चावला। इनके बाल इतने लंबे क्यों हैं? कहाँ ना, बहुत स्टाइल मारते हैं। दी, एक्सीडेंट से पहले ये कैंसर पर रिसर्च कर रहे थे। अमेरिका के डॉक्टर्स इनसे बहुत खुश हैं। डॉक्टर स्नेहा कह रही थी ये कैंसर का इलाज ढूंढ सकते हैं। इसका मतलब अगर ये रिसर्च पूरी कर ले तो? अगर ये रिसर्च पूरी कर ले तो बहुत सारे कैंसर के पेशेंट्स बेचारे नहीं कहलाएंगे, ऐसा ये कहते हैं। उठाऊं? नहीं नहीं, सोने दे, चल। ठीक है। किसे ना साहब? जी काम है मेरा, पर अचानक ये पढ़ाई का शौक कैसे करना है किसी के लिए?
कीप इट अप। अरे रोशन, ये तेरे नंबर एक का दिमाग खराब हुआ क्या? क्यों? सीना साहब लाइब्रेरी से काफी सारी किताबें लेकर गए हैं उसके लिए। किताबें? मेरी समस्या तो बाहर है भाई। डॉक्टर चावला आसान नहीं है, डोंट पुश इट टू मच। आई सजेस्ट आप बात मान ले। नहीं होगा डॉक्टर, अगर आप कहें तो मैं बुक खोल कर दे देती हूँ। नहीं, कभी तो खुद खोलना पड़ेगा। अब सही कह रहे डॉक्टर, मुझे नहीं होगा। I'm sorry। आपने कोशिश तो की। किस काम की? छोड़िए, मूड बदलते हैं। बाहर काल चुनाव। लगता है सब लोग होली की तैयारी में जुटे हैं। बाहर कोई नहीं है, बस एक डॉगी दिख रहा है नाले के पास, जो एक पैकेट देख रहा है। मुझे लगता है उस पैकेट में खाना रखा है। डॉगी सिर्फ खाने को देख रहा है, पर खाना थोड़ा दूर है, नाले के उस पार। लगता है डॉगी झुककर सोच रहा है कि वो नाला कैसे पार करेगा। कोशिश कर रहा है अंकल, और उसका ध्यान सिर्फ खाने पर है। उसने अपने पैर हिलाए, कोशिश की आगे जाने की। ओहो, वो डर गया, पीछे हट गया। अंकल बहुत मुश्किल है नाले के उस पार पहुंचना, लेकिन डॉगी हिम्मत नहीं हारा। अंकल वो दौड़ रहा है पूरे जोश में, फुल स्पीड, नजर सिर्फ खाने पर। अंकल पूरी ताकत और पूरे जोश में उसने जंप मार दिया। अंकल जंप मार दी। बाहर है और उन्हें आने में एक घंटा भी लग सकता है, पर उतना टाइम नहीं है हमारे पास। डॉक्टर केलकर को इन्फॉर्म करो, दूसरे हॉस्पिटल्स में कॉल करके पूछो, सर्जन के लिए रिक्वेस्ट करो। ओके ओके। हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम ईस्ट फेस्ट। आपके हार्ट सर्जन ड्यूटी पर हैं, एक हार्ट अटैक केस है। पेशेंट कैसा है? नॉट गुड डॉक्टर, वी नीड टू डू द सर्जरी इमीडिएटली। अभी डॉक्टर कहाँ से लाएं? मगर वो मूर्ति सर, मिनिमम एक घंटा तो लगेगा किसी भी सर्जन को आने में। ओह नो सर, फैमिली से कहकर पेशेंट को शिफ्ट करवा दे। डोंट बी फूलिश डॉक्टर स्नेहा, टाइम कहाँ है? मैं कुछ कहूँ? पर मैं ये कैसे कर सकता हूँ,
सर आपने इतनी सर्जरीज की हैं। आप लोग सब मेरी हालत जानते हैं, मैं कोई जादूगर नहीं जो इस हाल में ऑपरेशन या सर्जरी कर सकूं। मॉनिटर सर्जरी सर, आपकी तो स्पेशलिटी है। Why don't you understand? I'm a patient here, not a doctor. मुझसे ये नहीं होगा। तो कौन करेगा अंकल? अगर कल मुझे कुछ हो गया और यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है तो आप क्या कहेंगे? मैं नहीं कर सकता, मैं दर्द से रोता रहूंगा, तब भी आप कहेंगे मैं नहीं कर सकता? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा अंकल? आप एक डॉक्टर हैं और पेशेंट्स के लिए डॉक्टर तो भगवान ही है ना। Set up the monitors and prepare for surgery. Thank you, sir. Dr. Sneha. Yes, doctor. आप मेरे हाथ बनेंगे। मैं डॉक्टर? मुझे तो लगा आप तैयार हैं। Okay, doctor. We are sorry for the delay. Have it. Don't worry. शहर का बेस्ट सर्जन आपकी मदर की सर्जरी कर रहा है। So relax. Nervous? A bit. Don't be. Check the oxygen level. Sneha, make an incision in the center of the chest. Okay. Scalpel. Make another insertion in the aorta. Doctor, heartbeat. Doctor? Bring the heart-lung machine in order. Insert the tube in the right atrium. Position the new valve. Check levels. Okay. Sneha, what are you waiting for? Stitch her up and celebrate. आपको आपकी पहली सर्जरी मुबारक हो। All thanks to you. Excuse me, ma'am. Yes. She's safe. क्या मैं इस डॉक्टर को मिल सकती हूँ? आंटी आइए ना, मैं मिलवा देता हूँ, वो मेरा दोस्त है। अच्छा, कम। आइए 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 ना आंटी। यह डॉक्टर ड्यूक चावला। तुम्हें यह देखकर अच्छा लगा। मुझे भी ड्यूक। पहले देखना था, अब तो मैं बहुत बेहतर हूं। I'm happy for you. तुम्हारी माँ ठीक हो जाएंगी, उनकी चिंता मत करना। उनसे कह देना कि ऑपरेशन के वक्त मैं उनके साथ था, उन्हें अच्छा लगेगा। थैंक यू ड्यूक। अंकल आप जादूगर हो। ये सब तेरी वजह से रोशन। बस बस, मुझे भी कुछ चाहिए, फ्री में कुछ नहीं होता। बोल क्या चाहिए? छुट्टी, मेरे एग्जाम शुरू हो रहे हैं, थोड़े दिन के लिए जाना पड़ेगा। वापस कब आएगा? जल्दी, बस पास हो जाऊं। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ए रोशन, जब तू वापस आएगा ना, तेरे लिए दो सरप्राइजेस रेडी रहेंगे। पक्का? पक्का।
डॉक्टर चावला, ये वॉकर आपको मोटिवेट करेगा। मैं चाहता हूँ कि आप चले। आपको लगता है मैं कर सकता हूँ? आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है डॉक्टर चावला। जस्ट फॉलो इंस्ट्रक्शंस। मिस्टर सिन्हा प्लीज। अब धीरे से अपने पैर नीचे लगे। डोंट वरी, हम आपको पकड़े हुए। धीरे से अपने पैरों को फ्लोर पर टच करने की कोशिश कीजिए। अब अपने बॉडी वेट को अपने पैरों पर डालने की कोशिश कीजिए। हे ड्यूक, व्हाट्स हैपनिंग? मैक्स, तू यकीन नहीं करेगा। व्हाट? इट्स सो सिंपल। वो देख, इफ वी कंबाइन द मॉलिक्यूलर सेल्स टुगेदर, वी कैन स्टॉप द डिप्लीशन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स, एंड इफ वी कैन कंट्रोल दैट, वी कैन स्टॉप द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कैंसर सेल्स। That's it, Max. That's it. All we have to do now is to operate and remove the cancerous tumor. And the cancer is gone, Max. Are you listening to me? The cancer is gone. Just listen to me, Max. Duke. Call AMA right now. Call them up right now. Duke. What, Max? What? Tu. Hey, hey. दीवार कब बनी? साहब ये दीवार तो यहाँ पे हमेशा से है। नहीं, यहाँ तो एक मैदान था जहाँ बच्चे क्रिकेट खेला करते थे। और वो नाला, और वो साहब यहाँ पे ऐसा कभी कुछ नहीं था। नहीं, और इस दीवार के पीछे ना तो कोई मैदान है, ना तो कोई कॉलोनी, बस एक जंगल है। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, रोशन, तो रोशन कहाँ है? रोशन चला गया। उसे फोन लगाओ, उसे कहो कि मैं उसे बात करना चाहता हूँ। उसे कहना चाहता हूँ कि रोशनी के कैंसर का इलाज हो सकता है। प्लीज डॉक्टर स्नेहा, कॉल हिम राइट नाउ। डॉक्टर चावला, रोशनी को कैंसर नहीं है, कैंसर तो रोशन को। कहाँ है रोशन? रोशन चला गया हमेशा के लिए कल रात। उसकी आखिरी रात थी। उसे झूठ का बाहर की झूठी कहानियां सुना था ताकि मैं ठीक रहूं। उसने मुझे कहा था रोशनी को कैंसर। समझ ही नहीं पाया। चला गया, वो चला गया। उसने मुझे प्रॉमिस किया था कि वापस आएगा। ऐसा उसने क्यों किया? क्यों क्या? शायद ड्यूक,
रोशन नहीं चाहता था कि तुझे पता चले और तेरी हिम्मत टूट जाए। डॉक्टर चावला, ड्यूक रोशन के मम्मी पापा आइए। जी मैं सूरज शर्मा और ये मेरी पत्नी चांदनी शर्मा, रोशन के मामी पापा। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा, शादी को 15 साल हो गए पर अभी भी उनकी लव स्टोरी उतनी ही फ्रेश है। आपने रोशन के लिए बहुत कुछ किया, उसे तो हॉस्पिटल से निकाल दिया गया था। अगर ऐसा होता तो रोशन दर्द से तड़पता, लेकिन आपकी वजह से उसका ट्रीटमेंट चलता रहा और वो इस दुनिया से शांति से चला गया। रोशन के सारे दोस्त और रिश्तेदार आपसे मिलना चाहते हैं, उसने आपसे मिलने ही नहीं दिया, कहता रहा बाद में मिलवाऊंगा। आज वो रोशन को आखिरी बार देखने आए हैं, आपसे भी मिलना चाह। पुलूला तेंदुलकर याद है, राइट लेग काम नहीं करता पर खुद को सचिन समझते हैं। जी मैं वीर, रोशन का कजन भाई, और ये मेरी पत्नी सोनल। बस थैंक यू कहना चाहते थे आपको। और ये वीर भैया, इनका सोनल दी के साथ पक्का अफेयर चल रहा है। मैंने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगा दी रोशन के ट्रीटमेंट पर, इसी उम्मीद में कि कुछ चमत्कार हो जाए। रोशन को काफी उम्मीदें थी आपसे, अपने लिए नहीं। वो जानता था कि आप कैंसर पर रिसर्च कर रहे हैं। वो हमेशा कहता था कि एक बार ड्यूक अंकल ठीक हो जाए तो आप जैसे मम्मी पापा रोएंगे नहीं। चलता हूं, रोशन को ले जाना। मैं रोशनी हूँ, रोशन आपके लिए छोड़ के आया था। ड्यूक अंकल, आज का हाल, अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मतलब आप सच जान चुके हो। मुझसे नाराज मत होना, मैंने आपसे झूठ नहीं कहा, बस सच छिपाया। आई एम सॉरी। अच्छा मेरे सरप्राइजेस, लेट मी गेस, पहला अब अपनी रिसर्च पूरी करेंगे और दूसरा अब अपने पैरों पर खड़े होकर चलेंगे। तो बताइए हुई रिसर्च पूरी, क्या आप चल पाए? कहिए ना ड्यूक अंकल, बोलिए ना। हाँ रोशन, ड्यूक अंकल तो क्या हुआ अगर आप मुझे बचा नहीं पाए? आई एम श्योर आपके होते हुए मेरे जैसे बहुत रोशन बच जाएंगे। आई लव यू ड्यूक अंकल। रोशन, भूल गया मैं पूजा आंटी को बाय कहना भूल गया, अब कह दोगे प्लीज मेरे लिए? बहुत कुछ सिखा गया रोशन, छोटी छोटी चीजें जो इंसान उम्र के साथ भूल जाता है, मुस्कुराना, दूसरों के लिए जीना और माफ कर देना। कौन है? रोशन, और कौन? लेट मी स्लीप। पापा उठो 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 ना, मेरी छुट्टियां शुरू हो गई है, हमें साइकिलिंग पे जाना है। बस थोड़ी देर और। नहीं नहीं नहीं। रोशन, पापा उठे या नहीं? नहीं मम्मी, नहीं उठ रहे। तू भी सो जा। ड्यूक कम ऑन गेट अप। पूजा देखो ना,
यहाँ क्या हुआ? जिस तो भी सी ये कम ऑन नाउ लेट मी स्लीप ओम सुकून कहाँ है मेहरबान रब ने बरसाई मुझ पे सारी खुदाई I promise.